देखिए, आज हम लोग खेत में गए थे तो वहीं पर हम लोगों ने सोचा चूल्हा जला के क्यों ना चिकन का पार्टी किया जाए। तो हमने दही लिया, दही डाला चिकन में, फिर उसके बाद धनिया पाउडर डाला, अब गोलकी और काली मिर्च थोड़ा सा डाल के, फिर हल्दी थोड़ा थोड़ा, ये सब चीज़ डालेंगे मैरिनेट करने के लिए सिर्फ, फिर लाल मिर्च पाउडर जितना आपको तीता रखना है उस हिसाब से, बाकी को हम मसाला को रख देंगे, बाद में तेल के साथ उसे फ्राई करेंगे। अब अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट थोड़ा सा इसमें डालेंगे, अब इस सबको बढ़िया से हम मिला देंगे, क्योंकि देखिए खेत में हमारे पास बड़ा सामान नहीं था इसलिए हमें छोटी कढ़ाई में ही बनाना पड़ा 4 आदमी का चिकन, तो इसलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है। ये देखिए बढ़िया से मिला रहे हैं, अच्छे से इसे मैरिनेट करेंगे 1 घंटा तक, और इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें पानी नहीं मिलाएंगे, तो जो ग्रेवी रहेगा वो सिर्फ दही का ही ग्रेवी रहेगा जो कि 1 नंबर आपको लगेगा। देखिए बढ़िया से मिला लिए इसको, हर एक पीस को अच्छे से मसाले में मैरिनेट कर लेंगे मिक्स करके। देखिए ये हमने 2 चिकन कटवाया था, अब उसे अच्छे से थाली में रख लेंगे छोड़ने के लिए, क्योंकि हम खेत में हैं इसलिए लाइट का भी थोड़ा प्रॉब्लम है और रात भी हो गया था इसलिए बीच बीच में लाइट भी कटते रहा था। देखिए अब रख लिए, इसे हम छोड़ देंगे 1 घंटा के लिए। अब देखिए तेल गरम कर लिए, इसमें हम पहले तो जीरा 1 चम्मच लगभग डाल लिए गरम तेल में फ्राई होने के लिए, उसके बाद मिर्च डाल लेंगे, लाल सूखा मिर्च डालेंगे, और 2 इलायची भी रखेंगे ताकि इलायची से स्वाद अच्छा आए, और बढ़िया से इसे हमने कर लिया है। तेज पत्ता अभी नहीं डालेंगे, तेज पत्ता हम बाद में इसमें मिलाएंगे। अब देखिए ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, मीडियम आंच पे रखेंगे, ज़्यादा आंच भी हमें नहीं रखना है, मीडियम आंच पे रख के इसे फ्राई कर लेंगे बढ़िया से। देखिए लगभग फ्राई हो गया, अब इसमें हम प्याज मिलाएंगे फ्राई होने के लिए, प्याज को अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। नीचे में पाव जोड़ा, देखिए प्याज भुजा हुआ हो गया, अब अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट भी इसमें मिला लेंगे ताकि ये भी अच्छे से भुन जाए। अब देखिए प्याज भुजा हुआ हो गया, अब हम इसमें मसाला मिला लेंगे, हमने लाल मिर्च पाउडर लिया थोड़ा सा स्वाद अनुसार जितना हमें तीता रखना है, उसके बाद धनिया पाउडर और काली मिर्च और बाकी मसालों का पाउडर हम ले लेंगे जिसमें काली मिर्च और जीरा का भी मिक्स था। अब इसे बढ़िया से हम फिर से भूनेंगे, जब प्याज 80% पक जाए तब हमें ये सब मसाला मिलाना है ताकि बाकी 20% में ये मसाला भी अच्छे से हम पका लेंगे, और ठंड के दिनों में चिकन खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है, क्योंकि आग के पास बैठ के बातें करते हुए बनाइए और इन्जॉय कीजिए। देखिए बाद में हमने तेज पत्ता भी इसमें मिला लिया है ताकि तेज पत्ता जले नहीं और अच्छा से स्वाद दे। अब नमक थोड़ा सा इसमें मिला देंगे, बाद में भी नमक मिलाएंगे पर अभी भी नमक मिलाएंगे। देखिए नमक मिलाने के बाद अब हमारा प्याज भी और बाकी सब मसाला भी अच्छे से हो गया है, क्योंकि अब नीचे चिपकने लगा है, तो अच्छे से भून चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है सब चीज़।
अब हम इसमें क्या करेंगे, धीरे से मैरिनेट किया हुआ चिकन को रख देंगे, मिला देंगे भुनने के लिए। देखिए दही के साथ ही हमने डाल दिया, इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे क्योंकि मेरा कढ़ाई थोड़ा छोटा है। जैसे कि मैंने बताया कि हम खेत में गए थे तब हमने बनाया, तो हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल था उसी के हिसाब से बनाया है। ये देखिए धीरे धीरे अब मैं इसे मिला रहा हूँ, आप लोग अगर बड़ा इसमें बनाइएगा तो बढ़िया से बन जाएगा, एकदम बढ़िया से मैरिनेट हो गया है चिकन, आप लोग देख सकते हैं मसाला एकदम बढ़िया से चिकन को पकड़ चुका है। अब इसे अच्छे से मिला देना है, ये देखिए मिला रहे हैं बढ़िया से, सिर्फ मिला देंगे हर एक साइड से। जैसा कि मैंने बताया हम लोग चार लोग थे तो अपना हिसाब से हम लोग बना रहे थे बैठ के, तो हर तरफ से बराबर से मिलाने के लिए घूमना पड़ रहा था क्योंकि कढ़ाई जो हमने लिया था वो छोटा था इसीलिए। ये देखिए लाइट यहाँ चला गया है, कोई बात नहीं लाइट का हम जुगाड़ कर लेंगे। देखिए फिर लाइट आ गया, ठीक है। तो गांव है, गांव का वो भी खेत है तो लाइट आते जाते रहता है, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। मगर अब देखिए ये कितना भी ज़्यादा चिकन क्यों ना रहे वो धीरे धीरे पक के नीचे चला ही जाता है, वो थोड़ा देर के लिए ही ऊपर रहता है। देखिए वो अपने आप बैठने लगेगा चिकन पकते पकते, और इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे, ये अपने आप उस दही से तैयार हो जाएगा झोर, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अब हम इसे कम से कम आधे घंटे तक पकाएंगे ताकि ये बढ़िया से पक जाए, आधे घंटे तक इसे पकाना है बिना ढके हम इसे पका रहे हैं, आधे घंटे तक हम इसे पकाएंगे तब जाके ये बढ़िया से पकेगा। देखिए दही ये अब चिकन को छोड़ने लगा और धीरे धीरे उसका ग्रेवी बनने लगा है। अब लास्ट के 5 मिनट जब बचे हैं तब हमने इसमें चिकन मसाला ऊपर से ऐड किया है, तभी इसका बढ़िया टेस्ट आता है जब इसे लास्ट में दीजिएगा। अगर आप चिकन मसाला को भी भून दीजिएगा तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए इसे लास्ट में हम देते हैं। अब देखिए इसे दे दिए, अब इसे अच्छे से मिला के फिर 5 मिनट तक अच्छे से इसे चलाएँगे ताकि मसाला मिक्स हो जाए बढ़िया से। आप जैसे कि देख सकते हैं चिकन बढ़िया से पक चुका है, अच्छा इसका टेक्सचर रंग सब चीज़ अच्छे से आ गया है, दही है ना सफ़ेद ही रहेगा। देखिए अब हमारा चिकन बनकर तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से पक चुका है चिकन, और हम इसमें पानी नहीं डाले हैं तो भी देख लीजिए कितना बढ़िया से ग्रेवी, एकदम गाढ़ा ग्रेवी तैयार हुआ है जो कि खाने में एक नंबर लगेगा। बिना पानी के कितना बढ़िया ग्रेवी तैयार हुआ है, तो बनाइए और इन्जॉय कीजिए ठंडी के दिनों में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।